सामने क्वेश्चन है, एट एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1. तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई इज द पॉइंट फॉर द गिवन टेंजेंट M1 is equal to dy upon dx. अब देखिए इसकी जो टेंजेंट है उसको हमने M1 मान लिया, ठीक। अब ये बोल रहा है द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -3. द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4, -3 एंड x, y ठीक इज M2, ठीक है। अब देखिए इसकी जो टेंजेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, M2 इज इक्वल टू हो जाएगा y+3 डिवाइड बाई x+4। अब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन M1 is equal to 2M2, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट, ठीक। क्या है, टू टाइम्स है, तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, अब देखिए M1 क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 times, और ये हमारा क्या हो जाएगा y+3 upon x+4, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, dy upon y+3 इज इक्वल टू 2 times dx upon x+4, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dy upon y+3 इज इक्वल टू 2 times इंटीग्रल dx upon ये हो जाएगा x+4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log y+3 इज इक्वल टू 2 times log x+4 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा आ चुका है, देखिए जनरल सॉल्यूशन, बट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम क्रिएट करेंगे। अब इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए इसमें हम करते क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको भी हम लॉग के ही टर्म्स में ले लेते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया लॉग सी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, log y+3 इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x+3 होल स्क्वायर प्लस log c, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा log y+3 इज इक्वल टू log c into x+3 होल स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, तो लॉग हट जाएगा यहां से दोनों तरफ से, तो y+3 इज इक्वल टू c into x+3 होल स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जहां से ये कर्व हमारा पास होता है वो पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, तो देखिए ये हमारी क्या आ गई है, जनरल इक्वेशन आ गई कर्व की, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, -2, 1 हम इसमें रख करके देखेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3
इज इक्वल टू सी इन टू, और ये हमारा हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी। ठीक, तो यहां से सी की वैल्यू आ जा रही है, सी की वैल्यू आ रही है फोर आ रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये लॉग y प्लस थ्री है, और दोस्तों इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट है उसे भी हम लॉग के टर्म्स में ले ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया लॉग c। ठीक, और इसे हम लिख सकते हैं लॉग x प्लस फोर स्क्वायर प्लस लॉग c। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग y प्लस थ्री इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा लॉग c इंटू एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y प्लस थ्री इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम पॉइंट रखेंगे। ठीक, तो देखिए यहां पर अगर हम पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, पॉइंट है हमारा, पॉइंट है माइनस टू कॉमा वन। ठीक, तो इसको यहां पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस थ्री इज इक्वल टू सी टाइम्स। तो देखिए यहां पर ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, बस अगर हम सी की वैल्यू अगर हम यहां पर प्रोवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस टू प्लस फोर होल स्क्वायर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा फोर इज इक्वल टू फोर सी। ठीक, तो फोर से फोर हमारा कैंसिल हो जाएगा और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू वन आ जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे, बस c की वैल्यू हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा y प्लस थ्री इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा x प्लस फोर होल स्क्वायर। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है।